नमस्कार दोस्तों, हमारे दिनेश कार केयर टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और मेरे पास ये अल्टो गाड़ी है और जिसमें जो इसमें समस्या है हार्ड गियर शिफ्टिंग की, तो हम इसे चेक करेंगे, देख सकते हैं। और तो मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा और यहाँ देख सकते हैं ये गियर है, ये देखिए कितना, ये आगे की तरफ, अब देखिए कितने टकराए गियर, आगे की तरफ सही गियर लग रहे हैं लेकिन पीछे की तरफ देखिए ये अटक गया। मैं इसको करूंगा जी, कितना जान लगाना पड़ रहा है। तो मैं आपको एक बार गाड़ी को स्टार्ट करा के दिखा देता हूँ। इसमें जो प्रॉब्लम है वो गियर शिफ्टिंग हार्ड की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है और आवाज़ भी आप सुनाई दे रही होगी, देखो। तो अब मैं इसमें गेट डालूंगा, गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है, यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट गेयर तो सही लग रहा है लेकिन जो सेकंड जब लगाते हैं तो अटक जाता है। अब देखिए कितना ज़्यादा अटक रहा है, ये भी सही लगेगा और जैसे ही बैक भी सही है। अब देखिए ये अटक गया, तो हमें ये एक बार इसका रोड वगैरह चेक करना पड़ेगा, कहीं रोड में कोई समस्या तो नहीं है। और जो गियर शिफ्टर सापट होती है मुझे वो चेक करनी पड़ेगी, मुझे लगता है उसकी ही प्रॉब्लम है। इसमें ना तो कोई क्लच की प्रॉब्लम है ना कोई इसमें रोडों की प्रॉब्लम है, लेकिन जो समस्या है वो गियर से है। तो एक बार मैं उसे चेक करूँगा, क्योंकि अगर क्लच प्रॉब्लम होती तो गियर हार्ड सॉफ्ट नहीं लगता, आगे वाला जो कोई भी हम गियर लगाते हैं देखिए अच्छा की लग जाता है, लेकिन जैसे ही हम चौथा गियर डालते हैं देखिए अटक गया। ये देखिए और देखिए ये अटक गया। तो ठीक है, खोल के चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसे और इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। गाड़ी में बंद कर देता हूँ। तो इसका जो शिफ्टिंग सापट है ये वाला, इसे हम खोलेंगे। तो मैं इसे खोलना जारी कर रखता हूँ और इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है गाइस, इसको खोलते हैं और प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट करते हैं। अभी मैं इसका फिटिंग खोल रहा हूँ, तो अभी टायर फिल्टर असेंबली वगैरह खोलना पड़ेगा मुझे। इधर दिखाओ, तो हम इसका ऊपर का तापा निकालेंगे, ये निकालेंगे कैफ इसकी, तो यही बैठ रहे। और इसको खोलने के बाद देखिए प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं और 100% जो मैंने बताया है वही निकलेगा, क्योंकि बहुत काम हुआ था। फाइनली मैं इसे सापट को निकालूंगा और उसे सही करूंगा, क्योंकि वो बेंड हो गई होगी, तो मैं आपको दिखाऊंगा चेक करके उसे। अभी मैं ऊपर का कैफ निकाल रहा हूँ उसका, नरेंद्र लगो भी गाइस, ये देख सकते हैं ये सेंटर रोल रोड है और ये गियर लीवर वाली रोड है जिससे शिफ्टिंग होता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो फाइनली ये वाला जो रोड है ना
ये यहाँ से मुड़ गया है, क्योंकि इसका जब मैं गियर निकाल रहा हूँ तो यह टकरा है। तो अभी मैं इसका गियर ऑयल वगैरह निकालूँगा, फाइनली इस रोड को बाहर निकालूँगा। तो अभी मैं इसे खोल रहा हूँ। तो भैया देख सकते हैं ना, मैंने जो है इसमें फोल्ट को यहाँ पकड़ लिया है, देख सकते हैं। देखिए वाला रोड है ना, ये देखिए कितना टाइट है ना, और जबकि देखिए ये फ्री होना चाहिए। देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड है भाई साहब, यहाँ देख सकते हैं। देखिए कितना, मैं इसको पीछे ले रहा हूँ, देखिए ये ऐसे फ्री होना चाहिए, ये इस तरह से घूमना चाहिए हाथ से, देख सकते हैं कितने आराम से घूम रहा है। देखिए दो उंगली के सहारे से ही घूम रहा है। देखिए अब मैं जैसे इसको भीतर करूँगा ना, अब देखिए 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 इतनी आसानी से नहीं घूम रहा जितना घूमना चाहिए, देख सकते। देखिए अब देखिए कितना हार्ड है, मैं धक्का मारूंगा बजा के निकला है। और देखिए जितना मैं करूंगा, देखिए फिर से हार्ड हो गया। तो अब मैं इसको जैसे अंदर की तरफ धकेलूंगा ना, यहाँ देख सकते हैं गाइस, मुझे नट खोल के ये वाला नट खोलना पड़ेगा और मैं इस सापट को निकालूंगा। ये इस तरह से सापट लगी होती है, इस तरह से। तो गाइस फाइनली हमें ना फॉल्ट मिल गया था, ये वाला जो रॉड है ना ये बेंड हो गया था, इस पर किसी मिस्त्री ने, मैंने देखा तो रॉड भी इस पर ना किसी मिस्त्री ने जैक लगा दिया था, जिसकी वजह से ये रॉड हो गई थी बेंड। जब मैं इसे लगा रहा था तो यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ तक जा रहा था, ये जो रॉड है ना इससे आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन अब देख सकते हैं फाइनली ये, जबकि ये भीतर तक जाना चाहिए, अगर ये यहाँ जाम हो जाएगा तो गियर हार्ड की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम की जो समस्या है वो आएगी ही आएगी। अब देखिए ये पूरा ऐसे, ये जो सापट है ना ऐसे जाना चाहिए, पूरा फिक्स जाना चाहिए एकदम। इसके गियर अब हम आपको दिखाएंगे, एकदम ऐसे हो जाएंगे सॉफ्ट, देख रहे हो ना। अब मैं इसे फिट कर देता हूँ और फाइनली जो गियर शिफ्टिंग हार्ड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है इसकी। तो ठीक है, पहले इसे फिट करते हैं, फिर हम इसको आपको दिखाएंगे जो हमारी प्रॉब्लम है। यहाँ देखा आप, तो गाइज फाइनली छोड़ दें। तो गाइज यहाँ देख सकते हैं, बड़ी मशक्कत के बाद ये कसना पड़ रहा है बड़ा, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब कि बहुत ये सापट को लगाने में ना बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि ना तो गोटी सही से लग पाती है ना हाथ सही से चल पाता है। मैं आपको फाइनली दिखाऊंगा कि जो इस जो सापट में बल पड़ गया था तो ये जो प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाऊंगा एकदम सॉर्ट आउट हो चुकी है। अभी मैं इसको कस देता हूं पहले, तो यहाँ फाइनली देख सकते हैं, ये देखिए पहले अटक रहा था ना ये रोड, अब देखिए कितना सॉफ्ट तरीके से चल रहा है। देखिए पहले घूम भी नहीं रहा था ये, देखिए कितने आसानी से ऊपर हो रहा है। अब मैंने फुल दबा रखा है और देखिए ये देखिए, और पहले नहीं हो पा रहा था ना ये, तो ये समस्या, ये जो रोड है, ये जो पोजीशन सापट है, ये वाली जो शिफ्टिंग रोड है जो गियर शिफ्ट करती है, ये इस तरह से काम करती है, इधर भी और आगे पीछे भी इस तरह से काम करती है, यूँ करके यूँ जाती है। तो ये जो बेंड होने की वजह से गियर इसके हार्ड हो गए थे, तो फाइनली मैं आप, ये हो गई है, ये मैंने ठीक कर दिया, इसी को ही कर दिया है। तो अभी मैं इसको लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा जो हमारा फॉल्ट है, जो गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम है, वो फाइनली ठीक हो गई है। तो अभी मैं इसे फिट कर देता हूँ, आ जाओ भाई। फाइनली सारी फिटिंग हो चुकी है, अभी ये गियर ऑयल डाल रहे हैं हम, देख सकते हैं एयर फिल्टर असेंबली लगानी है, बाकी तो नीचे की तरफ से पूरा फिट कर दिया है हमने। ठीक
करके, वो भी हम इसका गियर ऑयल डालने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके फिर आपको चेक कराएंगे। फाइनली हमने इस गाड़ी की फिटिंग कर दी है। हम इसके अंदर केबिन की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखिए क्लच पे भी पैड नहीं है, और देखिए गियर आपको दिखाता हूँ कैसे मक्खन लग रहे हैं कतई, यहाँ देख सकते हैं, देखिए है ना, इतनी अटक रहा ना, ये देखिए। पहले यहाँ करता था तो अटक जाता था, बहुत जान लगानी पड़ रही थी, अब देखिए लग गया। देखिए हाथ के उंगली के सहारे से गियर लग रहा है। अभी मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, देख सकते हैं। देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई है, देखिए देखिए गियर कितना देख रहे हो ना, देखो गियर, सभी गियर लगा के दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए पांच आए, देखिए मैं, देखिए देखिए चौथा, देखिए पांचा, और ये देखिएगा बैक, ये लग गया बैक। तो फाइनली हमारी गाड़ी ठीक हो गई है। जिसका शिफ्टिंग प्रॉब्लम था वो एकदम बहुत ही सॉफ्ट हो गया, देख रहे हैं ना, नेक अंगूठे के सहारे से, और कोई भी गियर लगा लो, देखिए ये देखिए। तो भैया डायग्नोस्टिक तो भैया बहुत ज़रूरी है, स्टेप बाय स्टेप काम करना, और इसमें कहाँ गलती हुई है, इसकी सापट पर जो इसकी रॉड होती हैं गियर लीवर रॉड, शायद मैकेनिक ने इसको खोला होगा और खोलने के बाद इसके नीचे जैक लगा दिया है, जिसकी वजह से जो शिफ्टिंग सापट है ना वो बेंड हो गई है। क्योंकि हम जब गियर लगा रहे थे फर्स्ट गियर तो लग रहा था इस तरीके से, लेकिन जैसे क्योंकि जब हम इसको अंदर की तरफ करेंगे तो सापट बाहर की तरफ निकलेगी, जैसे मैंने इसको अंदर किया तो वो सापट आएगी बाहर की तरफ, और जैसे मैं बैक ये दूसरा गियर डालूंगा तो अंदर ये सापट जाएगी अंदर गियर में, गियर की तरफ अंदर की जाएगी। तब मैं ऐसे कर रहा था तो वो अटक जाती थी सापट, जिसकी वजह से ये गियर बहुत ही बुरी तरीके से अटक जाता था। अब देखिए देखिए अब तो नहीं अटक रहा कहीं, देखिए कितना कितने स्मूथ हो गए हैं। तो भैया स्टेप बाय स्टेप काम करो, एक एक चीज़ को देखो, आप कहीं भी और कभी भी नहीं फंसेंगे, आपका डायग्नोस अच्छा होगा तो आप फंसेंगे नहीं, कहीं भी नहीं अटकेंगे। तो एकदम फाइनल हो गई है हमारी गाड़ी, देख सकते हैं मैंने इसका बम्पर वम्पर सब कुछ खोल रखा था, इसका रेडिएटर का थोड़ा बहुत काम हुआ, एक पाइप वगैरह खोले हैं। तो फाइनली भैया हमारी गाड़ी हो चुकी है, तो भैया फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नई टॉपिक और नए वीडियो के साथ। और गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो भी कर लें। हमारा चेला बोल रहा है कि उस्ताद जी के चैनल को फॉलो भी करें। हाँ भाई क्या बोल रहा है बता। तो भैया फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, अभी के लिए बस इतना ही।